दोस्तों आज हम आपको ऐसी व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो 150 साल जीना चाहते हैं। उनका नाम है माइकल जैक्सन। 29 अगस्त 1958 में शिकागो के पास एक टाउन में अपने माता पिता के साथ सबसे छोटी संतान के रूप में पैदा हुए थे। उनकी माँ का नाम कैटरीना था। वह भी म्यूजिक की काफी शौकीन थी और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सुनाती थी, जबकि उनके पिता जोसेफ जो की एक क्रेन ऑपरेटर थे लेकिन वह भी एक लोकल बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। इसके लिए उन्होंने हर एक इंतजाम किया जिससे कि मौत और बीमारी को वो टाल सके। किसी के साथ हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाना भी नहीं भूलते थे। माइकल जैक्सन ने अपनी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर दर्जनों डॉक्टर को नियुक्त किया था जो उसके शरीर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे और उनका खाना हमेशा रेटरी में चेक होने के बाद उन्हें खिलाया जाता। माइकल जैक्सन ने फिट रहने के लिए 15 लोगों को रखा हुआ था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। जरूरत पड़ने पर अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे जिन्हें वह पैसे देता था ताकि समय आने पर किडनी फेफड़े आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंगों की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे दे। उन्हें लगता था कि पैसे और प्रसिद्धि के बदौलत मौत को चकमा दे सकते हैं लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उनके दिल की धड़कन रुकने लगी। उनके घर पर डॉक्टरों की मौजूदगी भी हालत को काबू में नहीं कर पाई। शहर के सारे डॉक्टर उनके घर पर जमा हो गए पर अफसोस माइकल जैक्सन को नहीं बचा पाए। उन्होंने 25 साल तक डॉक्टर के विपरीत कुछ भी नहीं खाया। फिर भी अंतिम दिनों में उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल के होते होते वो अपने जीवन के पतन के करीब आ गया था और 25 जून 2009 को इस दुनिया को अलविदा कह गया और 150 साल जीने की तमन्ना धरी की धरी रह गई। जब माइकल जैक्सन की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। सिर गंजा हो गया था और कंधे की हड्डियां टूट चुकी थी। शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे जो कि प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए लेते थे। माइकल जैक्सन वैसे तो काले थे पर 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा कर लिया। अपने काले माँ बाप को और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर ले लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरत के साथ की। माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद गूगल विकिपीडिया ट्विटर मैसेंजर सभी क्रैश हो गए थे क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो सब लोग एक साथ सर्च करने लगे थे जिसके कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक क्रैश हो गया था। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।